वेलकम बैक टू माई चैनल वंस अगेन। तो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो फ्रेंड्स जिस भर्ती का सबसे ज़्यादा इंतजार कैंडिडेट को है वो है पुलिस भर्ती, जिसके फिजिकल और रिटर्न को लेकर काफ़ी चीज़ें हो रही थी कि कब होगा क्या होगा। फिलहाल फिजिकल की फाइनली डेट आ गई है, चलिए उसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में चर्चा करेंगे, तो आप हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो पुलिस सिपाही के लिए अप्रैल में होगी शारीरिक परीक्षा, ये कहना है। आप देख सकते हैं है यहां पर ये जो कहा गया है, जो डीजीपी सर हैं उत्तराखंड के, उन्होंने कहा कि हमने आयोग से अभ्यर्थियों का अंतिम विवरण मांग लिया है, पूरी कोशिश की जा रही है कि अप्रैल में शारीरिक परीक्षा आयोजित कर ली जाए, इसके लिए सेंटर तय करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो फाइनली आप देख सकते हैं कि ये लगभग तय हो गया है कि अप्रैल में जो है आपकी फिजिकल होने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 1521 पदों के लिए उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को रिकॉर्ड 2.58 लाख आवेदन आए हैं। आवेदन की प्रक्रिया लगभग समाप्त हो गई है, क्योंकि बीच में जो है 3 मार्च तक जो है इसकी डेट बढ़ा दी गई थी, जिसकी वजह से नंबर ऑफ कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए थे। इसीलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले जो यहाँ पर होगी शारीरिक परीक्षा का आयोजन, मुख्य आयोजन पुलिस मुख्यालय करेगा, जबकि लिखित परीक्षा आयोग लेगा। तो यहाँ पर दो जो बड़ी चीज़ हैं वो साफ साफ हो गई हैं कि जो फिजिकल होगा वो जो है उत्तराखंड के लिए लिया जाएगा, यानी कि उत्तराखंड पुलिस डिपार्टमेंट की ओर से लिया जाएगा, और जो रिटर्न होगा वो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा लिया जाएगा। पहले जबकि ये कहा जा रहा था कि फिजिकल भी जो है और जो भी चीज़ें होंगी वो आयोग से होंगी, लेकिन अभी जो स्थिति बिल्कुल साफ हो गई है कि फिजिकल कौन लेगा और रिटर्न कौन लेगा। और जबकि इसमें इस बार जो ये कहा जा रहा है कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है फिजिकल होगा, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वो तो अब जब पूरा शेड्यूल आएगा तो वो मालूम हो जाएगा कि किस तरह से क्या क्या होना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आयोग के सचिव जो हैं संतोष भडोनी ने बताया कि परीक्षा के लिए आयोग के पास कुल 2.58 लाख आवेदन आए हैं, जो अब तक के सबसे बड़ी जो है भर्ती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसके लिए, इसके अलावा तमाम तरह के जो हैं अभी भी अटकलें लगाई जा रही हैं। सबसे बड़ी बात है, जैसे कि आपको पता है कि एज को लेकर अभी भी उत्तराखंड हाईकोर्ट में इसके ऊपर केस दायर है, हालांकि उसका अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मालूम चल पा रही है, क्योंकि होली की वजह से जो है कोर्ट बंद था। लेकिन हाल फिलहाल अब जो डीजीपी सर के द्वारा जो बताया जा रहा है कि उत्तराखंड पुलिस में जो फिजिकल होगा वो अप्रैल माह में होगा। बाकी कोई भी और इस बारे में अपडेट आएगी तो हम आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, और चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोज आपको यहीं मिलती हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।